मुलायम सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक कभी सबके दुलारे कहे जाने वाले ददन पहलवान कौन हैं, आज हर कोई ये जानना चाहता है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है ये ददन पहलवान। दरअसल साल 2000 में राबड़ी सरकार बनाने में जिसने सबसे अहम भूमिका निभाई वो थे ददन पहलवान। राबड़ी देवी को तीसरी बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में ददन पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी बहुमत से पीछे रह गई तो पहली बार निर्दलीय जीतने वाले ददन ने समर्थन दिया था। इनाम के तौर पर इन्हें मंत्री बनाया गया। 21 साल में ददन पहलवान 3 बार डुमराव से विधायक चुने गए। इस दौरान बिहार और यूपी में अकुत संपत्ति खड़ी की, काले धन को सफेद करने के लिए कई तरह के तिगड़म रचे। सियासी करियर की शुरुआती दिनों में लालू परिवार के करीबी रहे, हालांकि उनकी राजनीतिक नीयत बदलती रही। 2005 में ददन पहलवान समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते, फिर अखिल जन विकास दल से विधानसभा पहुंचे। 2015 में उन्होंने चुनाव जीतने के लिए जेडीयू को चुना, हालांकि 2020 में जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया। वे निर्दलीय चुनाव लड़े और 5वें नंबर पर रहे। ददन पहलवान पर बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 5 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इसी को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ददन पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी समेत कई आरोप हैं। इन पर बिहार यूपी में हथियार, गोला बारूद इस्तेमाल करने के भी मामले दर्ज हैं, जिसमें ददन पहलवान की पत्नी उषा यादव और बेटे करतार यादव भी आरोपी हैं। ईडी ने अपनी जांच में बताया कि ददन पहलवान ने परिवार के सदस्य के नाम पर कई अचल संपत्ति खरीदी और बैंकों में पैसा रखा ताकि काले धन को सफेद किया जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजनेस और कंपनियों से होने वाले आय का दावा कर अपनी संपत्ति को छुपाने की कोशिश की। इन मामलों में ईडी ने पहले ही करीब 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इसका हैंडओवर लेने के लिए कोर्ट में अपील की गई। बिहार के पूर्व मंत्री ददन पासवान, उनकी पत्नी, बेटे और सीए समेत 4 लोगों के खिलाफ ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पटना की अदालत में चार्जशीट दायर की। 68 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा मामला है। आरोप साबित होने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। ददन पहलवान, उनकी पत्नी उषा देवी और बेटे करतार यादव के नाम पर अर्जित की गई जमीन, गाड़ियां और बैंक बैलेंस को ईडी ने पहले ही जब्त कर लिया है। इसमें पत्नी उषा देवी के नाम पर डुमराव में खरीदे गए 7 प्लॉट और बेटे के नाम पर बलिया और डुमराव में लिए गए 4 प्लॉट शामिल है, जिसकी कीमत 19.26 लाख रुपए है। इसके अलावे ददन पहलवान के नाम पर 27,88,189 रुपए में खरीदी गई 2 स्कॉर्पियो, 1 स्विफ्ट और मार्शल जीप को भी जब्त किया गया है। पत्नी के नाम पर 1 4-पहिया और बेटे के नाम पर 2 4-पहिया गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। वहीं अब पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, 3 सह विशेष न्यायाधीश, एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। एपीपी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को ददन पहलवान समेत अन्य आरोपियों ने आरजेडी नेता रामजी यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। इस घटना के बाद डुमराव के कोपवा निवासी रामजी यादव ने FIR दर्ज कराते हुए 10 लोगों को नामजद किया था। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उसने राजद प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव के पक्ष में प्रचार किया। रामजी के मुताबिक वह डुमराव के कलावती कॉम्प्लेक्स स्थित राजद कार्यालय में बैठा था। इसी बीच ददन पहलवान मदन सिंह, भुवन यादव, सुखचंद सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज यादव, सुबोध यादव, राम वचन यादव, भीम यादव, लक्ष्मण तुरहा, हथियार
और लाठी डंडे के साथ पहुंचे और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। एपीपी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को आरजेडी नेता रामजी यादव के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। इस घटना के बाद डुमराव के कोपवा निवासी रामजी यादव ने एफआईआर दर्ज कराते हुए 10 लोगों को नामजद किया था। उन्होंने कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उसने आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार और पप्पू यादव को विधानसभा में प्रचार करते हुए मदद क्यों की। स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी 10 आरोपियों को दोषी पाया। एपीपी ने बताया कि जज ने धारा 147 के तहत सभी को 1 साल सश्रम कारावास और धारा 148 के तहत 2 साल सश्रम कारावास के साथ 5,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई। वहीं अब दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। बता दें कि ददन पहलवान की गिनती बिहार के दबंग नेताओं में होती है। वे राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावे वो जेडीयू और बसपा समेत अन्य दलों में भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 में वो डुमराव से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्हें जीत भी मिली। 2020 में जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया और वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। वहीं अब मुलायम सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक सभी के दुलारे कहे जाने वाले ददन पहलवान को कोर्ट ने आखिरकार 2 साल की सजा सुना दी है।